मैं इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना जा रही हूँ। ये विषय है उन स्त्रियों का, उन महिलाओं का, उन बच्चियों का जो कि बलात्कार की विक्टिम बनती हैं, और उनका जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, यहाँ तक कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। मैं ये चाहती हूँ वो बेचारी बच्ची जिसको, जिसने अभी जिंदगी देखी नहीं होती, जिसने महसूस ही नहीं किया होता कि जीवन क्या है, जिसकी बड़ी आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो इसकी विक्टिम हो जाती है। फिर उसको जाके पता लगता है कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उस समय उसका इतनी देर हो जाती है कि वो बिचारी पहले ही ट्रॉमा में ग्रसित होती है। उसके बाद उसके लिए एक नई और विपत्ति आ जाती है, एक नई और जो है मानसिक तनाव आ जाता है। इसके लिए सरकार ने कभी कुछ नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया हुआ, उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसकी देखभाल के लिए। अभी अखबारों में आया था कि एक बच्ची ने अपने बच्चे को बाहर फेंक दिया, एक का 3-4 महीने होने के बाद पता लगा तो टर्मिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इसलिए मैं चाहूंगी कि इसके बारे में सरकार कानून बनाए, पॉलिसी बनाए, जिससे कि उन बच्चियों का, उन महिलाओं का देखभाल हो सके, उनके होने वाले बच्चों के लिए कोई प्रावधान हो सके, क्योंकि माँ बाप भी इस बात के लिए लज्जित होते हैं। सामाजिक एक इतना बड़ा ये जुल्म है उन महिलाओं के ऊपर। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री इसके बारे में सोचे। केस दर्ज होते हैं तो पुलिस को चाहिए कि 2-3 महीने उस विक्टिम का जो है ध्यान रखा जाए, देखा जाए कि क्या वो कहीं माँ तो नहीं बनने वाली उस बच्चे, उनको तो पता ही नहीं होता। ठीक है, जो होते हैं बलात्कारी उनको पकड़ लिया जाता है, कोर्ट में केस चलते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनका उनका कौन देखभाल करेगा, उनमें जो सामाजिक स्टिग्मा हो जाता है उसको कौन दूर करेगा, उन बच्चों के लिए जो पैदा होने वाले हैं वैसे ही वो एक दुखी होती है और इस बोझ से और दब जाती है, उसका जो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। कोई हमारे साथ ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहां पे उनकी देखभाल हो सके, उन बच्चों का क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं चाहती हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। एक बहुत बड़ी तनाव में वो जो औरत है, महिला है, चाहती है। इसलिए सरकार को चाहिए। ओके, ऑल राइट, यस।